सिद्धार्थ, अगर मैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की सांसें टूट रही हैं, जिसको लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जिले के डुमरियागंज तहसील के चोखड़ा का है, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक बंगाली डॉक्टर की मौत हो गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद डॉक्टर को नाजुक हालत में इलाज के लिए वेम्बा सामुदायिक अस्पताल के ले जाया गया, लेकिन वहां ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण डॉक्टर की मौत हो गई। बताया जाता है कि बंगाली डॉक्टर की किडनी बीमारी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक छोटा सा प्रैक्टिस करते थे और उनको किडनी की प्रॉब्लम थी और लगभग 2 साल से उनका इलाज चल रहा था। किडनी की प्रॉब्लम होने की वजह से उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन अब की बार जब उनको सांस की प्रॉब्लम हुई तो वो यहाँ से बीमा गए, उनको सांस फूलने लगा और बीमा में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनको वहाँ से वापस कर दिया गया। इसके बाद वहाँ से एक एम्बुलेंस आई और इनको जो है बीमा नौकर ले जाने के लिए वो जब दबाव देने लगी, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब नौकर फोन किए तो वहाँ भी उनको ऑक्सीजन नहीं था, इस वजह से एम्बुलेंस वाले उनको छोड़ के चले गए। मतलब बीमा से एम्बुलेंस लेकर के आई? नहीं, बीमा से वो अपने गाड़ी से आए, पर्सनल गाड़ी से आए, लेकिन साथ में एम्बुलेंस भी आई नौकर ले जाने के लिए। और एम्बुलेंस वाले जब वहाँ नौकर फोन किए तो वहाँ भी जो ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो इसको ऐसे इसी कंडीशन में छोड़ के चले गए, इस वजह से उसका डेथ हो गया।